नमस्कार, इनसाइडर लाइव का टॉप न्यूज वीडियो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है। ऑफिस एंड प्रॉफिट के मामले में निर्वाचन आयोग जांच कर रहा था। जांच पूरी होने के बाद उसने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को भेजी है। हालांकि राज्यपाल रमेश बैस की ओर से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। संभावना जाहिर की जा रही है कि राज्यपाल की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद ही हेमंत सोरेन की सदस्यता पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इस बीच झारखंड में पूरे दिन गहमा गहमी बनी रही। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ऐसा लगता है कि भाजपा के नेताओं सहित उनके सांसद और उनके कठपुतली पत्रकारों ने खुद चुनाव आयोग की रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया है, जिसे सील कर दिया गया है। संवैधानिक प्राधिकरणों और सार्वजनिक एजेंसियों का घोर दुरुपयोग शर्मनाक तरीके से किया जा रहा है। हेमंत सोरेन ने ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, संवैधानिक संस्थानों को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे। झारखंड के हमारे हजारों मेहनती पुलिस कर्मियों का ये स्नेह है और यहाँ की जनता का समर्थन ही मेरी ताकत है। हैं तैयार हम, जय झारखंड। बिहार से लेकर गुरुग्राम तक दो दिनों से जारी सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड पर बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी भाजपा की दामाद है। जब कोई भाजपा के खिलाफ सिर उठाता है तो वो उसे डराती है, मगर बिहारी डरने वाले नहीं। सब लोग उसको बता देना चाहते हैं, बिहार में जबरन कोनो काम ना होला, डरवा के सीबीआई, ईडी और कुछ सूत्र वाले पत्रकार चाहेंगे कि नाम बदनाम कर दे तो समझ जाइए बिहार है, सब कुछ ठीक ठाक कर देता है। बिहार विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन विधान परिषद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर सम्राट चौधरी को बधाई दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी हर दल में रहे हैं, पहले वो हमारे दल में थे, अब बीजेपी में हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि सम्राट चौधरी राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में भी रहे हैं, ऐसे में उसे नेता प्रतिपक्ष के रूप में आप बेहतर काम करने की अपेक्षा रख सकते हैं। इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि राजनीति में कब किसके साथ क्या होगा ये किसी को पता नहीं। आप हमारे दल में थे, फिर डर रहे, अब फिर आप भाजपा में रहे, तो आपको हर जगह चुना था, आपका दल कहाँ से हो गया? अरे ये कोई राजतंत्र नहीं है भाई, जेडी में थे ना, राजतंत्र नहीं है। आप जदयू में गए ना, पता तो भाजपा में गए, अरे आप कहाँ चाहते हैं आप ना बताइए। जेडीयू के वरिष्ठ नेता देवेश चंद्र ठाकुर को बिहार विधान परिषद के सभापति के तौर पर चुना गया। देवेश चंद्र ठाकुर निर्विरोध सभापति चुने गए। विधान परिषद के सदस्य के रूप में ठाकुर का ये चौथा कार्यकाल है। देवेश चंद्र ठाकुर के सभापति चुने जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी सदन के नेता सम्राट चौधरी ने उन्हें बधाई दी। सीएम नीतीश ने कहा कि देवेश चंद्र ठाकुर से काफी उम्मीदें हैं। वहीं सम्राट चौधरी ने आश्वस्त किया कि पूरा विपक्ष आपकी पूरी मदद करेगा, आपके सभापति काल में लोकतंत्र की रक्षा होगी। डिप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि आपका अनुभव काफी लंबा है, आप ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, आपने हमेशा जनता का सवाल सदन में उठाया है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए महागठबंधन की तरफ से राजद के वरिष्ठ नेता अवध बिहारी चौधरी ने विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही रामचंद्र पूर्वे ने बिहार विधान परिषद के उपसभापति पद के लिए पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के सभी दलों के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अपना नामांकन दाखिल करने के बाद अवध बिहारी चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चैम्बर में पहुंचे और उनसे मुलाकात की। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस पर सवाल उठाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में 9 आप विधायक नहीं पहुंचे। पार्टी हाईकमान का उनसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। बैठक के बाद आपके मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार स्थिर है और जो विधायक नहीं आए हैं वो अपने अपने काम से बाहर गए हैं। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान करते हुए यूपी भाजपा के अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। वर्तमान सरकार में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी को ये पद दिया गया है। इसके साथ ही पहली बार ऐसा हुआ जब एक जाट नेता को कमान दी गई। भाजपा के एक व्यक्ति एक पद के अनुशासन के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए नाम घोषित होने के बाद
चौधरी को मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। 54 वर्षीय भूपेंद्र चौधरी 2016 में पहली बार विधान परिषद सदस्य चुने गए थे। 2017 में प्रदेश में सरकार बनने पर उन्हें पंचायती राज विभाग का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कुछ हफ्तों के लिए टाला जा सकता है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक 28 अगस्त को CWC की बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। पहले ये घोषणा की गई थी कि चुनाव कार्यक्रम 21 अगस्त से 20 सितंबर तक होगा। अब खबर आ रही है कि इस चुनाव को आगामी कुछ हफ्तों के लिए टाला जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा सिंह को एक धर्म विशेष के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी के आरोप में एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। तेलंगाना पुलिस ने निलंबित भाजपा नेता टी राजा सिंह को हैदराबाद में उनके आवास से पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किया। नेता के कथित बयान के लिए 23 अगस्त को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। निलंबित भाजपा विधायक टी राजा सिंह को मंगलवार को गिरफ्तारी के बाद देर शाम कोर्ट से जमानत पर रिहा कर दिया गया था। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए थे। इस दौरान पूरा देश उनकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा था। फैंस की दुआएं अब रंग लाई, राजू श्रीवास्तव को होश आ गया है। राजू श्रीवास्तव को लगभग 15 दिनों बाद होश आया। यही नहीं, कॉमेडियन की हालत में भी लगातार सुधार हो रहा है। राजू श्रीवास्तव 10 अगस्त को दिल्ली स्थित एक जिम में वर्कआउट कर रहे थे। इस दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। तो वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए इनसाइड लाइव को सब्सक्राइब कर लें।